अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे हैं। किसी ने मुझे अल्लाह के फजल से मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा है, किसी ने मुझ पर तशद्दद नहीं किया, मैं रहा हुआ। मैंने कौम का ये मुतालबा रखा कि सबको माफ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ और अहम लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ही फुलतुरू किम के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, मर गए हैं ये। जहाँ से निकले हैं वहीं बढ़ गए हैं और वहीं बढ़ेंगे ये जाके, इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला ने चाहा कलम दवात कलम दवात कलम दवात 56 और 57 में अपने इत्तेहादियों के इसकी सपोर्ट के साथ जीतेगी और पाकिस्तान अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद रहे। एक साजिश के तहत ये साजिश है एक खास कि लोगों को ये आवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि आवाम किधर है, इनको पता है कि लोग कलम दवात के साथ है। रावलपिंडी में मैं बाहर की सियासत नहीं करता, मैं और राशिद शफीक सिर्फ पिंडी की सियासत करते हैं। इनको पता है कि लोग जो है वो कलम दवात के साथ हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं लाल हवेली में बैठा, आरओ साहब मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, वरना सुबह मैं हाई कोर्ट 8 बजे पेश हो जाऊँ। मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में मीडिया से बात